जैसे हम समोसा जलेबी खाते हैं खाने में बहुत मजे का लगता है, बिल्कुल ऐसे आज मैं आपके लिए एक नाश्ता लेकर आई हूँ। आप इसे खाने के बाद समोसा खाना भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार होता है। इस नाश्ते के साथ आज हम सूजी का दानेदार खिला खिला हलवा भी बनाएंगे, जो कि इसके साथ बहुत बढ़िया लगता है। तो 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ धनिया, 1 गाजर का कद्दूकस किया मैंने, 100 ग्राम के करीब गोभी है जिसे कद्दूकस कर लेंगे, 1 बड़े साइज का शिमला मिर्ची है जिसको एकदम बारीक कट कर लें, नमक स्वाद के हिसाब से डालें, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डालें और 1 टीस्पून के करीब भुने हुए जीरे का पाउडर डालें और 1 छोटा चम्मच जीरा भी डाल दें और थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला डालकर अच्छे से मिला दें। तो सारे मसाले घर के हैं, इन्हीं से नाश्ता बनेगा, बहुत कमाल का बनेगा। अब यहाँ पर 1 कप लिया मैंने गेहूँ का आटा, तो गेहूँ के आटे से नाश्ता हम बनाने वाले हैं, बहुत स्वाद बनकर तैयार होता है। 2 टेबल स्पून इसमें आप या तो रिफाइंड ऑयल डाल दें या फिर आप इसमें मेल्टेड घी डालें, नमक स्वाद के हिसाब से डालें और 1 उबला हुआ आलू है जिसे कद्दूकस किया मैंने उसके बाद उसे भी डाल दें और थोड़ा सा लगभग 1/4 टीस्पून इसमें मीठा सोडा डालें और नमक स्वाद के हिसाब से डालकर अच्छे से मिला दें। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही चटपटा सा बिना प्याज लहसुन का नाश्ता बनता है और बहुत बढ़िया भी लगता है। अब यहाँ पर 1/4 कप पानी ले लें और उससे इसका डो बना लें। तो 1/4 कप प्लस 2 टेबल स्पून पानी इसमें लगेगा डो बनाने में, तो इसका डो एकदम परफेक्ट, जैसे हम रोटी बनाते हैं ऐसे ही डो बनाना है आपको, ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है। इस बात का ध्यान रखें जो मेज़रमेंट मैं आपको दे रही हूँ एकदम परफेक्ट है। तो जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करे तब आप ये रेसिपी बनाना, साथ में दानेदार हलवा बहुत टेस्टी लगता है। आटा बनाने के बाद 15 मिनट रेस्ट के लिए रखें, रेस्ट कराने से आटा बहुत अच्छा सेट होता है और नाश्ता मज़े का बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा आटा है इसकी मैं यहाँ पर रोलिंग पिन से इसे बेल लूँगी, तो आप काउंटर टॉप पे से बेल लें क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा सा इसे बनाना है। उसके बाद ये जो स्टफिंग है, टेस्टी सी स्टफिंग, ये इस पर स्प्रेड करें। हम इसे बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इवनली सारी स्टफिंग आप यहाँ पर स्प्रेड कर दें, आप चाहे तो इसमें आप पनीर भी डाल सकते हैं या फिर अपनी पसंद की कोई भी सब्जी। अब यहाँ पर देखिए मैंने कैसे रोल किया, बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला हिस्सा पकड़े और इस तरीके से चिपका दें, तो सारे एजेस चिपक गए हैं इसके, बहुत ही शानदार सही नाश्ता बनेगा। अब इसके 1-1 इंच के आप पीसेस कट करें, तो यहाँ पर हमने 1-1 इंच के पीसेस कट कर लिए हैं। तो सबसे बढ़िया बात है इसमें मैदे का इस्तेमाल नहीं किया हमने, गेहूं के आटे से हम इसे बना रहे हैं और बहुत ही आसान सा तरीका है बनाने का भी। बच्चों को टिफिन में आप इसे दे सकते हैं, उन्हें भी बहुत पसंद आता है। तो दोनों हाथों से दबाते हुए आप इसे प्रेस करें तो ये एक टिक्की जैसी शेप ले लेगा। अब लो टू मीडियम हीट पर घी या तेल गरम करें, उसके बाद 1-1 करके नाश्ता इसमें डालें और अलटते पलटते आपको इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। इससे फ्लेकी होगा, क्रिस्पी बनेगा, जैसे समोसा होता है ना एकदम खस्ता, बिल्कुल ऐसा ही खस्ता से बनकर तैयार होगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि हाई फ्लेम ना हो फ्राई करते हुए, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें और जब एकदम क्रिस्पी सा दिखने लगे, लाल लाल दिखने लगे, तब आप इसे बाहर निकालें। तो सारी टिक्की आपको बिल्कुल ऐसे फ्राई करनी है। तो बस इसी प्रकार से सारा नाश्ता बना लिया है मैंने, बहुत ही अमेजिंग बना है। तो आप इसे हलवे के साथ खाएं या फिर ऐसे चाय के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस बिना प्याज लहसुन के नाश्ते को शेयर करना ना भूलें। और अब आप साथ में बनाएंगे बहुत ही बढ़िया हलवा, खिला खिला दानेदार हलवा, जो कि इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता है। जैसे हम समोसा जलेबी खाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे आज हम यहाँ पर अब दानेदार हलवा बनाएंगे। देखिए कितना टेस्टी हलवा बना है। और वैसे भी अब तो फास्टिंग शुरू हो गई है, पूजा के लिए हमें हलवा बनाना ही है, तो आप इस रेसिपी से बनाना ये हलवा बहुत शानदार बनता है। आप देख रहे हैं बिल्कुल भंडारा स्टाइल हलवा मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, खिला खिला रसेदार सूजी का हलवा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं दोस्तों, अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हलवे का मेज़रमेंट भी मैं आपको एकदम परफेक्ट दूंगी, जो बिगनर है वो भी आसानी से दानेदार हलवा बना सकते हैं। अगर आपका हलवा बनाने के बाद जैसे ठंडा हो जाता है, उसमें गांठें पड़ जाती हैं, तो अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, एकदम परफेक्टली बनकर तैयार होगा। तो 1/2 कप सूजी लिया मैंने, मोटी सूजी है ये, तो हलवा बनाने के लिए ज़्यादा बारीक सूजी नहीं लेनी है, थोड़ी सी दानेदार सूजी आप लेंगे तभी हलवा परफेक्ट बनेगा आपका। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप सूजी लिया है। अब साथ में देखिए मैं इसमें घी डाल रही हूँ, तो घी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, अगर थोड़ा सा भी कम घी हुआ तो हलवा परफेक्ट नहीं बनेगा। तो 1/4 कटोरी या कप, साथ में 2 टेबल स्पून घी इसमें डालें आप 1/2 कप सूजी के हिसाब से, या फिर देखिए मैं सूजी जैसे इसमें डाल रही हूँ, भून रही हूँ, आप देख सकते हैं सूजी किस तरीके से घी में डूब गई है। तो बिल्कुल ऐसे आपकी सूजी को घी में होना चाहिए, कम घी डालेंगे तो हलवा सूखा सूखा बनेगा और थोड़ी देर जैसे आप उसे रखेंगे तो एकदम उसके पीसेस बन जाएंगे, लड्डू जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर सूजी हमारी भून रही है धीमी आंच पर, तब तक हम इसकी चाशनी बनाते हैं। तो 2 कप लिया मैंने पानी और इसमें हम डालेंगे 3/4 कप के करीब चीनी या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन 3/4 कप एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पर सूजी को भी लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर भूनते रहिएगा, साथ में हमारी चाशनी भी बन रही है। कुछ लोग बिना चाशनी का हलवा बनाते हैं, लेकिन
हलवा बन तो जाता है लेकिन परफेक्ट नहीं बनता, इसलिए इंश्योर करें कि आप हलवा चाशनी से ही बनाएं। अब यहाँ पर आधा छोटा चम्मच इसमें इलायची का पाउडर डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो चाशनी में आपको जो है इलायची का पाउडर डालना है, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अब आप देख सकते हैं कि सूजी का हलवा, जो सूजी का कलर है वो कैसा हो गया है, ब्राउन हो गया है। तो इस स्टेज पर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालें, और अभी आपको लग रहा होगा कि परफेक्ट कलर है, लेकिन अभी अगर आपने इसमें चाशनी डाल दी तो बाद में आपका हलवा वाइट दिखेगा, सफ़ेद दिखेगा। अक्सर हो जाता है हमारे साथ कि हम हलवा बनाते हैं और बाद में वो सफ़ेद दिख जाता है, इसलिए यहाँ पर ये जो कलर, इसे थोड़ा सा डार्क हमें इसे भूनना है। तो ड्राई फ्रूट्स भी जो भी आप खाते हैं वो इसमें डालें, और धीमी आँच पर अभी नहीं भी भून लें तकरीबन 2 से 3 मिनट। उससे ये होगा कि सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी आपको अलग से नहीं भूनने हैं, यहीं पर भून जाएंगे और सूजी के साथ बहुत अच्छा टेस्टी करेंगे, बहुत ही सोंधा सोंधा सा टेस्ट हलवे का आपके आएगा। तो यहाँ पर परफेक्ट सूजी हमारी भुनकर तैयार है, ड्राई फ्रूट्स भी भुन गए हैं। अब ये जो शुगर सिरप हमने बनाया है, जो चाशनी बनाई है, ये हम इसमें डालेंगे और बिल्कुल धीमी आंच रखेंगे और अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद किशमिश भी डालेंगे, किशमिश से बहुत अच्छा स्वाद आता है, और इसमें चिरौंजी भी डाली है मैंने। सारे ड्राई फ्रूट्स टोटली ऑप्शनल है, बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं। ढक्कन लगाकर इसे 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पका दें, उसके बाद ऐसे स्टर करें। तो हलवे को ढक्कन लगाकर जरूर पकाना है, तभी जो दाना है सूजी का वो खिला खिला बनकर तैयार होगा। उसके बाद वापस से ढक्कन लगाकर 3 मिनट और इसे पकाएं, और ये देखिए एकदम खिला खिला रसीला हलवा बनकर तैयार है। ये हलवा जो है ऐसा है कि आप इसे बनाने के बाद कितनी भी देर रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा, गांठे नहीं पड़ेंगे, लंप्स नहीं आएंगे। एकदम परफेक्ट भंडारा स्टाइल रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, ट्राई करना। तो ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट इसे और पकाया मैंने, और उसके बाद देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है। अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। जो नाश्ता मैंने आपके लिए बनाया है ना, जो अभी रेसिपी मैंने दी है, उसी रेसिपी के साथ आप इसे ट्राई करना है। देखिए दाना देखिए हलवे का कितना परफेक्ट है, तो बिल्कुल ऐसा टेक्सचर हलवे का होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आप फ्लेम को करें बंद। फ्लेम बंद करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो हलवा है एकदम परफेक्ट है, दानेदार है, खिला खिला है। तो एकदम परफेक्ट रेसिपी मैं लाई हूँ, आप ट्राई करना इस रेसिपी को। जब भी आपका हलवा खाने का मन करे बिल्कुल इस प्रोसेस से बनाना, हलवा आपका बहुत शानदार और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो नाश्ते के साथ ये हलवा बहुत टेस्टी लगता है, और हेल्दी तो होता ही है सूजी का हलवा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा रसीला हलवा। तो अगर हलवे की रेसिपी और साथ में जो नाश्ता मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाया है, स्पेशली जो नवरात्रि चल रही है इन दिनों में, आप ये दोनों रेसिपी ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। तो जब भी संडे में या कभी भी आपका कुछ स्पेशल सा ब्रेकफास्ट खाने का मन करे, तब ये दोनों रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं, आपको पसंद आएगी। हलवे का दाना देखिए कितना परफेक्ट इसमें आया है। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।